दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, ऑनलाइन में जो कुछ भी हो रहे हैं वो सब कुछ हमारे कामयाबी के लिए ही हो रहा है। कुछ लोग सफलता मिलने में देर होने की वजह से काफ़ी परेशान भी दिख रहे हैं, बट उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि क्या इतना बड़ा अचीवमेंट कहीं और संभव है। कोई दूसरा है जो हमें आर्थिक आज़ादी दिला सके, हमें फाइनेंशियली फ्री कर सके? पूरे दुनिया में कोई नजर नहीं आने वाला दोस्त, सिर्फ ऑन पैसिव के अलावा। वो तो सीईओ मिस्टर एस के देन कहिए, जो हम जैसे बिल्कुल साधारण लेवल के लोग भी आसमान की बुलंदियों को छूने वाले हैं। हम रियल में इतने बड़े अपॉर्चुनिटी का, इससे मिलने वाले कामयाबी का और भी दो चार साल वेट कर लेते हैं अगर पापी पेट का सवाल नहीं रहता। बहुत सारे फाउंडर्स मित्रों से यह सुनने को मिलता है, सर जी बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं हमारे। दोस्त, अब तो आप काट चुके हो, बस कुछ दिन और काट लो, बहुत जल्दी आपकी दुनिया खूबसूरत होने वाली है। आपके बच्चों के, आपके माता पिता के, आपके फैमिली के, आपके भाई बहनों के, इन सबों को मिलाकर जो आपकी दुनिया है वो पूरी दुनिया ही आपकी खूबसूरत होने वाली है। पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएंगे सबके। आप बात बात में घबराए नहीं, ऑन पैसिव बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़े लेवल पे इसका पदार्पण होने जा रहा है दुनिया में, और हम तो इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। सोचिए हमारी लाइफ कैसे होंगे। दोस्त, जब तक यहाँ हमारे सक्सेस के शुरुआत नहीं हुए हैं तभी तक कोई भी टेंशन है हमारे पास? इससे पहले भी हम अपनी लाइफ में कौन से किंग थे? ना ही किंग बनने की उम्मीद ही थे हमें। हमने फाउंडर पोजीशन ले लिया है तो भले थोड़ा जल्दी हो या देर लगे, बट ये भरोसा तो हो ही गया है कि हम बिल्कुल राजा की जिंदगी जीने वाले हैं। सारे सुख साधन होंगे हमारे पास, बहुत बड़ा साम्राज्य होगा हमारा, क्या कुछ नहीं होगा हमारे पास, जहां फाउंडर्स को खुश रहना चाहिए कि हमने वह फाउंडर पोजीशन बुक कर लिया है जिससे हमारे सारे सपने पूरे होंगे। वहीं कुछ फाउंडर्स एप्पल्स मिलने में देर होने की वजह से दुखी भी रह रहे हैं। दोस्त, मैं मानता हूं अभी अधिकांश फाउंडर्स के पैसे ना होने के वजह से अच्छे समय नहीं चल रहे हैं, बट अपने बुरे समय में भी भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय में वो ताकत है जो कोयले को भी हीरा बना देता है, एंड भगवान में वो शक्तियां हैं जो रंग को भी राजा बना देता है। घबराने से कुछ नहीं होगा दोस्त। रास्ते चलते किसी को सफलता नहीं मिलती, उससे धैर्य भी रखने पड़ते हैं, इंतजार भी करना पड़ता है, एंड बहुत सारे चुनौतियों के सामना भी करने पड़ते हैं। जब तक ऑन पैसिव से हमारे सक्सेस के शुरुआत नहीं हो जाते हैं तब तक हमें अपने लाइफ में आए समस्याओं का खुद ही समाधान करना पड़ेगा। हाँ, इस बीच अगर हम चाहें तो जो भी फाउंडर्स वास्तव में काफी लाचार हैं, उनके आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, हम उनके वेरिफिकेशन करके उन्हें कुछ हेल्प जरूर कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे, कितने का हेल्प किया जा सकता है? दोस्त, किसी एक का तो किया ही जा सकता है, किसी एक की तो जिंदगी बचाई जा सकते हैं, किसी एक के चेहरे पर तो मुस्कान लाए जा सकते हैं। आज मैंने अपने वीडियो में नूर आलम की एक छोटी सी स्टोरी को शेयर किया। वह इंसान ईद मनाने को लेकर काफी परेशान था, मैंने उस वीडियो में उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए थे। बहुत सारे लोगों ने उससे संपर्क किए और आपको शायद यह जानकर आश्चर्य भी होगा, उससे बहुत फाउंडर्स मित्रों से बहुत अच्छे खासे हेल्प मिल रहे हैं। नूर आलम का कॉल भी आया था। उसने रोते रोते कहा कि सर जी, रियल में आपने मेरा ईद मना दिया। दोस्त, मैं भी काफी भावुक हो गया उसकी बातें सुनकर। जहां कुछ फाउंडर्स जल्दी एप्पल्स ना मिलने से परेशान हैं, वहीं कुछ फाउंडर्स ऐसे भी हैं जो ऑन पैसिव के विजन एंड मिशन को समझते हुए एक दूसरे के हेल्प करने को आज भी तैयार हैं। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे फाउंडर्स मित्रों को। दोस्त, मैं किसी के हेल्प करने के बारे में सोचकर सही कर रहा हूं या गलत ये तो मैं नहीं जानता, बट इतना जान लीजिए मैं ऑन पैसिव के फाउंडर्स को अपना परिवार मानता हूं। आप सभी से भी आग्रह है कि एक दूसरे के भावनाओं को समझें, एक दूसरे के काम आए। मदद जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे से ही होता है। आज हेल्प करने के कुछ और भी तरीके आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी दिला सकते हैं तो उसके लिए आगे आए, इससे किसी के जीवन में बाहर आ सकते हैं। इसके लिए कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक मेल करें, vijayprakashmotivator@gmail.com। आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है जो बिल्कुल कम लागत में शुरू किया जा सके तो वो भी मुझे मेल कर सकते हैं। आपके मन में फाउंडर्स के लिए भी ऑन पैसिव से सफलता मिलने तक कोई अच्छी प्लानिंग हो जिससे वे अपनी जीविका चला सकें तो आप मुझे जरूर सेंड करें। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पर्याप्त पैसे नहीं है, पार्टनर या इन्वेस्टर चाहिए आपको, तो मुझे सेंड करें। अगर आप मंथली सिर्फ ₹5 भी किसी की मदद करना चाहते हैं तो भी मुझे बताएं, क्योंकि 20,000 आदमी का ₹5 ₹1,00,000 बन जाता है। इससे कम से कम 10-5 गरीब एवं जरूरतमंद फाउंडर्स के प्रत्येक महीने मदद हो जाएगी। आप अपने बेटे की शादी किसी गरीब फाउंडर्स के यहाँ कर सकते हैं, इससे ना सिर्फ उस फाउंडर्स की मदद हो जाएगी बल्कि दहेज प्रथा के खिलाफ भी एक सराहनीय प्रयास होगा। आपके मन में गरीब फाउंडर्स के लिए जो भी है उसको मेरे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। दोस्त, अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ना सिर्फ ऑन पैसिव फाउंडर्स फैमिली बल्कि पूरे देश दुनिया के लोग हम सभी के साथ आना चाहेंगे।
मैं इसको और बड़े स्तर पर प्रमोट करने का वादा करता हूं, आप सब सहयोग करें। ना जाने हमारे प्रयास से कितने जिंदगियां बच जाएंगे, कितने मुरझाए जीवन में बाहर आ जाएगा और हमारा इस दुनिया में आना भी सार्थक हो जाएगा। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी यह नहीं कहेगा कि आप किसी के हेल्प ना करो, किसी के काम ना आओ। उसमें भी हमारे ऑन पैसिव का मकसद ही है लोगों की ब्लेसिंग पाना, उनके हेल्प करना। बहुत लोगों को मेरी ये बातें शायद अच्छी ना लगे, लेकिन दोस्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत और सच्चाई का रास्ता मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ आप सब हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। दोस्त किसी भी गरीब या लाचार फाउंडर्स को हमें तभी तक कुछ हेल्प करने के बारे में सोचना है जब तक ऑन पैसिव से हमारे कामयाबी की शुरुआत नहीं हो जाते हैं। एक बार ऑन पैसिव के धरातल पर आ जाने के बाद जो फाउंडर्स आज गरीब या परेशान दिख रहे हैं, ये खुद हजारों जरूरतमंद के हेल्प करने लायक हो जाएंगे। ये पावर है ऑन पैसिव का। बट जब तक ऑन पैसिव से हमें एपल्स मिलना शुरू नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, उन भावनाओं के कदर करना होगा। जहां बहुत जरूरी लगे वहां हमें हेल्प करना होगा। 500 के हेल्प नहीं कर सकते, 5 रुपये का 10 रुपये का हेल्प तो कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग में बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्त। ऐसे तो मुझे 100% यह उम्मीद लग रहा है कि इस महीने कुछ अच्छा सरप्राइज हमें जरूर मिलेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। तब तो और भी बड़े लेवल पे हम लोगों के हेल्प करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, बट जब हम किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन और चीजों के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। दोस्त हम फाउंडर्स के अलावे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। हम अभी से ही इन सब की आदत लगाएंगे तो आगे चलकर और भी बेहतर होगा। बहुत सारे फाउंडर्स तो इस उम्मीद पे कोई काम धंधे नहीं कर रहे हैं कि अब क्या कुछ करना, अब तो ऑन पैसिव आ ही रहा है। बट यह अच्छी आदतें नहीं है दोस्त। जब तक ऑन पैसिव से हमारे इनकम स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक सारे काम धंधे छोड़कर बैठे रहना ये कौन सा समझदारी की बात है। अरे भाई, आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हो उसे करते रहें। जब ऑन पैसिव से इनकम आने लगेगा, आपको लगेगा कि हमें शायद अब पहले वाले काम करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने ग्रोइंग लीडर्स के साथ बैठकर इस मुद्दे पर डिस्कस कर सकते हैं। कुछ फाउंडर्स तो इस उम्मीद पे भी हैं कि ऑन पैसिव से अगर इनकम स्टार्ट हो जाए तो पुराने जॉब छोड़ दूंगा मैं। दोस्त मैं इसके सलाह कतई नहीं दूंगा। हाँ, कुछ महीने ऑन पैसिव के साथ साथ आप अपनी जॉब भी करते रहें। जब आपको यह लगने लगे कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अपने ग्रोइंग लीडर से सलाह ले सकते हैं। बट जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। हालांकि ऑन पैसिव के फाउंडर्स को कुछ दिन बाद शायद कोई जॉब करने की जरूरत ना पड़े, बट हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।